हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है 2020 में। 12th क्लास अगर आप पास हो और आपको अगर टाइपिंग का थोड़ा नॉलेज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डिटेल में हम लोग देखेंगे, 3 से 4 मिनट का ये वीडियो होगा तो आपको डिटेल में इस वीडियो को देखना है, ठीक है। स्टेनो एंड अदर पोस्ट के लिए भी है, बट यहाँ पर आप जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टोटल 13 अलग अलग पोस्ट है यहाँ पर, 30 नंबर ऑफ यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट है। पोस्ट के नेम यहाँ पर डिटेल में दिए गए है, आपको जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपका 12th क्लास एंड टाइपिंग नॉलेज अगर आपका होगा तो। सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहां पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए है, टोटल 292 यहां पर वैकेंसीज दी हुई है, ठीक है। डिटेल में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगे जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो यहां पर दी गई है, यहां पर डेट्स जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है और यहां पर आपको अप्लाई करना है 1st ऑफ मार्च 2020 से, यानी कल से जो है ये अवेलेबल हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dda.org.in। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर जॉब्स पर क्लिक करना होगा। जॉब्स पर आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2020 में चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके का नोटिस देखने को मिलेगा जहाँ पर कहा गया है 1st ऑफ मार्च 2020 से 10 बजे से जो है स्टेज 1 के लिए यहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अलग अलग पोस्ट के लिए। जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसके मद्देनजर आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। डेप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। काफ़ी सारे यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर प्लानिंग असिस्टेंट, तो यहाँ पर आपको प्लानिंग या फिर आर्किटेक्चर का यहाँ पर डिग्री यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। एसओ के लिए यहाँ पर हॉर्टिकल्चर मांगा गया है, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की भी यहाँ पर वैकेंसी है। सर्वेयर इस पोस्ट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी, जिसके लिए यहाँ पर डिप्लोमा एंड कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए भी यानी लेवल 4 की रिक्रूटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसके लिए आपको यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी 12th क्लास यहाँ पर आपका पास होना इंपॉर्टेंट है। स्किल टेस्ट यहाँ पर आपका दिया हुआ है 10 मिनट एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन आपको करना होगा 50 मिनट में इंग्लिश के लिए टाइम दिया गया, 60 मिनट यहाँ पर हिंदी के लिए टाइमिंग दिया गया। तो अगर आपका स्टेनोग्राफी का अगर कुछ सर्टिफिकेट हो चुका है अगर आपको आता है तो इस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर पाओगे। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, जो भी एज रिलैक्सेशन रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से तो यहाँ पर अप्लाई रहेगा, ठीक है। पटवारी की पोस्ट यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 44 है, ठीक है। यहाँ पर आपका अगर ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल यहाँ पर कंप्यूटर अगर आपको चलाना आता है, उर्दू एंड हिंदी का यहाँ पर आपको नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है तो इस पोस्ट के लिए भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे नीचे और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जैसे कि आप देख पाओगे 292 यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई है। 12th क्लास यहाँ पर आपको मांगा गया है पास और टाइपिंग यहाँ पर आपको आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ठीक है। एंड कहा गया है और बिल्कुल भी नहीं कहा गया है, तो हिंदी एंड इंग्लिश का यहाँ पर आपको टाइपिंग का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के बाद में जब इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसके बारे में मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज में बताऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाएंगे, माली के लिए भी यहाँ पर पोस्ट है, तो 10th क्लास अगर आप पास हो तो माली इस पोस्ट के लिए भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। 100 नंबर ऑफ यहाँ पर वैकेंसीज है डीडीए में यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि कल किस तरीके से आपको अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए हम लोग डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ से वीडियो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, इसका सेकंड पार्ट जो है कल अपलोड हो जाएगा जहाँ पर किस तरीके से आपको डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, शेयर जरूर से कर देना आपको वीडियो को, ठीक है। जितने भी ग्रुप्स में अगर आप होंगे तो उन सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो उन डाउट्स को भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। थैंक यू वेरी मच गाइज़।